रेवाड़ी के फिदेड़ी में बनाई गई कोविड जेल से शनिवार रात को एक बैरक की ग्रिल को काटकर 13 बंदी फरार हो गए। सुबह बंदियों की गिनती होने लगी तो मामले की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी अभिषेक जोरवाल ने खुद मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिला के गांव फिदेड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए करीब सप्ताह भर पूर्व प्रदेश की कोविड जेल बनाई गई, जिस जेल के अंदर प्रदेश भर की जेलों से शिफ्ट करके करीब 450 कोविड संक्रमित बंदियों को रखा गया है। लेकिन शनिवार की रात को एक ही बैरक में बंद 13 बंदी ग्रिल काट कर बाहर निकल आए तथा चादर की रस्सी बनाकर जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए। फरार हुए सभी बंदी संगीन धाराओं के तहत बंद थे। कैदियों के फरार होने की जानकारी जेल प्रशासन को सुबह उस समय लगी जिस समय जेल के अंदर बंद कैदियों की गिनती की गई। गिनती के दौरान 13 बंदी फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीमें जिले भर में फरार बंदियों की खोजबीन में जुटी है। आसपास के गांवों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस फरार हुए कैदियों का कोई सुराग नहीं लगा सकी। हरियाणा वरदान के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। ये 13 कैदी हैं, जिनमें से 4 तो रेवाड़ी पुलिस के ने पकड़ रखे थे, उन रेवाड़ी के केसेस के अक्यूज हैं। बाकी जो महेंद्रगढ़ के हैं, महेंद्रगढ़ के केसेस के अक्यूज थे, क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड कोविड जेल बना रखी है, तो जितने भी हरियाणा के कोविड पॉजिटिव अंडर ट्रायल्स आए हैं उनको यहाँ ला के रखा गया है। अभी ये जेल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें कई खामियाँ भी हैं। जो आउटर वॉल है वो पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो इन जो अक्यूज 13 भागे हैं उनमें से कई मतलब मर्डर के, 307 के, डकैती के और एक दो चोरी चकारी के केसेस वाले अक्यूज हैं, तो इनके लिए एसपी महेंद्रगढ़ को भी हमने लिस्ट दे दी है। बाकी हमारी भी जो दोनों सीआई हैं उन्होंने 4 टीमें गठित कर रही हैं। उसके अलावा जो कंसर्न एसएचओ हैं उनको भी लिस्ट दे दी है, जिससे कि इनको जल्द से जल्द दोबारा पकड़ा जा सके। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।